तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो को देखकर आपने अपने WhatsApp का यूज करके फोन की स्क्रीन दूसरे फोन पर तो मिरर कर ही ली होगी, लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आपके PC की स्क्रीन भी आपको फोन पर शेयर करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी WhatsApp की हेल्प से ही। किसी अदर सॉफ्टवेयर की आपको नीड नहीं है, जस्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर अपने विंडोज PC में जाना है और WhatsApp ऐप को ढूंढना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल होने के बाद WhatsApp ऐप को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें ऑप्शन आएगा QR कोड को स्कैन करने का, जिसे आप अपने फोन की हेल्प से स्कैन करेंगे, जिससे ये आपके फोन से लिंक हो जाएगा। ओके, और आप अपनी WhatsApp चैट या फिर वीडियो कॉल या फिर ऑडियो कॉल आप अपने PC से कर सकते हैं, अगर आपके पास माइक्रोफोन और कैमरा है तो। चलो, तो अब PC की WhatsApp ऐप से अपने किसी एक कॉन्टैक्ट को हम फोन लगाते हैं, और फोन लगाने के बाद जब दूसरे फोन में रिंग बजता है, यानी कि हमारे कॉन्टैक्ट के फोन में रिंग बजता है, तो वो इसको एक्सेप्ट करता है। जब WhatsApp वीडियो कॉल को एक्सेप्ट किया गया, एक्सेप्ट करने के बाद अब अगर हमें अपनी स्क्रीन अपने कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करनी है, तो यहाँ पर हमारे PC में WhatsApp ऐप में नीचे ये एक बटन मिलेगा जो कि स्क्रीन शेयरिंग का बटन है। इसे हम दबाएंगे और इसे दबाने पर ये हमसे पूछेगा कि आपको कौन सी विंडो कॉन्टैक्ट के साथ शेयर करनी है। ठीक है, यानी कि अगर आपके सिस्टम में अलग अलग विंडोज ओपन है, लाइक नोटपैड ओपन है या फिर वर्ड की फाइल ओपन है या फिर ब्राउजर ओपन है, तो आप किसी एक विंडो को भी शेयर कर सकते हैं, या फिर आप पूरी डेस्कटॉप स्क्रीन को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो भी टास्क आप करेंगे वो शेयर हो जाएगी। तो मैंने यहां पे सपोज ड्रॉप डाउन से डेस्कटॉप स्क्रीन को सिलेक्ट किया और अपनी स्क्रीन को सिलेक्ट किया और ओके दबाया। ओके दबाते ही आप देखोगे कि जो हमारे कॉन्टैक्ट का फोन है उसमें हमारे PC की स्क्रीन शो हो चुकी है। ठीक है, यानी कि हमने अपनी PC की स्क्रीन को मिरर कर लिया है अपने कॉन्टैक्ट के फोन में। अब जो भी मैं अपने सिस्टम पे करूंगा वो मेरे कॉन्टैक्ट को नजर आएगा, यानी कि इसे कहते हैं PC की स्क्रीन शेयर फोन के साथ। ऐसे फोन की शेयर करनी हो तो आपको फोन में दबाना होगा स्क्रीन शेयर का बटन, तो वो आप PC में देख सकते हैं। तरीके से आप एक दूसरे के साथ किसी भी तरह की स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं, और बहुत ही अनोखा और खास फीचर है ये। चलिए ट्राई कीजिएगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल जरूर रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।